प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 कठपुतली कविता पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस कविता में कठपुतलियों के बारे में बताया गया है। इस कविता में एक कठपुतली ने स्वतंत्रता की इच्छा जाहिर की है कि वे स्वतंत्र होना चाहती है, क्योंकि अभी वो पराधीन है, धागों में बंधी हुई है और वो स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहती है। इस दुख से वो बाहर निकलना चाहती है। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। प्रस्तुत पंक्तियों में पहली कठपुतली एक कठपुतली है, वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से से उबली है, उसे अपनी परतंत्रता पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो, मैं स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली बोली, हाँ, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हम भी अपना जीवन जीना चाहती है, हमें भी अपने मन की मर्जी किए हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक हम दूसरों के इशारों पर ही नाचते हैं। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। ये सब सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में डूब जाती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। क्या हमारा स्वतंत्र होना उचित होगा? क्या हम ऐसा करने पर खुश रह पाएंगे? क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगे? ये सभी सोचकर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी को वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसलिए पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। तो बच्चों, आज हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 कठपुतली कविता के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।